हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं छोटू ब्लॉग। तो गाइस, इस टाइम हम आ गए हैं गोरखपुर में और सोचे हैं कि आज नौका विहार घूमना। तो गाइस फाइनली गाइस, जैसे कि हम बता दें, अभी हम लोग हैं इस समय गोरखपुर में, गोरखपुर पैडलेगंज में है। और पैडलेगंज में जब आप लोग गोरखपुर आएंगे तो गोरखपुर से आपको आना पड़ेगा पैडलेगंज। पैडलेगंज आने के बाद 20 कदम जो है नौसर के तरफ जाएंगे, वहाँ से उत्तर साइड में आपको एक हाईवे दिखाई देगा। देखिए इधर हाईवे दिखाई देगा, आप लोग घूमेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं डबल गेट दिखाई दे रहा होगा। इसी रास्ते प्रवेश करके आप लोग जाएंगे नौका विहार और चिड़ियाघर भी इस रूट से जा सकते हैं। नौका विहार होते हुए चिड़ियाघर भी निकल जाएंगे। तो चलिए आप लोग को लेकर चल रहे हैं नौका विहार, आप लोग को घुमाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, देखते रहिएगा। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं नौका विहार में और इधर गाड़ी पार्क कर दिए हैं और यहाँ दिलीप भैया हेलमेट भी रख दिए हैं और अपना मोबाइल सही कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग भाई साहब, कोई लेक चला जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ भाई, आप लोग आते हैं नौका विहार घूमने के लिए तो बाइक जरूर पार्क करके जाइए। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नौका विहार में फर्स्ट टाइम आया हूँ घूमने, मतलब इसके पहले मैं कभी आया नहीं था नौका विहार। नौका विहार में फर्स्ट टाइम आया तो ऐसा लग रहा है? अभी तो हम अंदर कहीं गए नहीं हैं, अभी तो गाड़ी पार्क किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग, गेट वगैरह देख रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। तो चलिए अब अंदर देखते हैं, अब अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं। हम तो कई बार आ चुके हैं, सोचे भैया को घुमा दिया जाए। तो गाइस, अभी आ गया नौका विहार में और इसका मेन गेट है और इस गेट से हम लोग अंदर जाएंगे। और गाइस, दीपू भाई हैं तो इनके साथ आए, हम तो कभी आए नहीं थे। हम आ चुके हैं भाई, बहुत बार आए हैं घूमे। और गाइस, आज आप लोग को भैया घुमाने वाले हैं नौका विहार एकदम मस्त। चलिए तो चलिए गाइस अंदर चला जाता है। तो गाइस, अभी हम लोग गेट से अंदर आ चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। गाइस, आप देख सकते हैं इधर बच्चों का बड़ा अच्छा गाड़ी लगा हुआ है और ये देखिए बहुत ही सुंदर है। 40 भैया, चले और भैया से बैठाने का 40 रुपया ले रहे हैं। टूट जाएगा तो भाई साहब, भैया खदेड़ दिए हैं, कह रहे हैं नहीं बैठना, टूट जाएगा। तो गाइस चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस देखिए, ध्वज कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस, यहाँ का जो व्यू दिख रहा है गाइस, अमेजिंग नहीं कर पाओगे यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा पूरा विजिट करते हो तो यार एक बार नौका विहार जरूर घूमने आइए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। भाई साहब, अभी अंदर चलते हैं। और गाइस ये देख रही है, भैया लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, एल्बम शूट कर रहे हैं। भैया कौन सा एल्बम शूट कर रहे हैं? और गाइस भैया ये भी है। और ये देख लीजिए भैया, बाल लगा के एकदम हो गए मस्त एकदम। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। भाई सर देख सकते हैं सब बाल वगैरह, बाल भाई ये लोग ट्रेन कर रहे हैं। और गाइस ये देखिए, साइड साइड में फूल लगाया गया है और लंबी लंबी यहाँ पे पेड़ हैं, हरा भरा पेड़ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ देखिए भाई साहब बेच रहे हैं छल्ला। और ये क्या है? गुलाब का फूल है। अरे फूल नहीं है, ये है हेयर बैंड है। ये देखिए केमल और भाई दो दो हैं यहाँ पे। और भैया कितना लेते हैं यहाँ सवारी कराने का? बच्चों का 30 है, बड़ों का 50 है। तो भाई बच्चों का, आप लोगों से बता दें, काफ़ी अच्छा लगता है ऊँट का सवारी करके। आप लोग आइएगा नौका विहार तो ऊँट का सवारी जरूर कीजिएगा भाई साहब। क्योंकि हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं बैठ रहे हैं। पैसे की बात छोड़िए, टाइम नहीं है। देखिए टाइम जो है कि टाइम काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लेट हो रहा है अभी पूरा वीडियो बनाना हम लोग। और गाइज हम लोग आ गए हैं रामगढ़ ताल नौकायान केंद्र और ये है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और गाइज ये देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और यहाँ घूमने, और काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और गाइज आप लोगों को दिखाते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का। तो गाइज ये देखिए, यहाँ से कितना अच्छा पानी निकल रहा है, हमको तो पता नहीं है कि ये क्या है, हम तो पहली बार आए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। दीपू भाई से ये बताइए कि क्या है, हमको नहीं समझ आ रहा है। फाउंटेन है। अच्छा ये फाउंटेन है, दीपू भाई बताएं कि ये फाउंटेन है। लाइट होगा तो इसमें लाइटिंग का व्यवस्था है, लाइटिंग जो लगा है सब बताता है, जवानों के मॉडलिंग वगैरह। तो गाइस ये देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो गाइस ये देख लीजिए, ये है टिकट घर,
टिकट काउंटर, यानी कि अगर आपको बोटिंग करना है तो पहले यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद आप जाके लेकर ही जाइएगा, नहीं तो जाने नहीं देंगे, कोई जाने नहीं देगा आपको। बाकी गाइस यहाँ पर आइए तो आप लोग यहाँ पे इंजॉय करिए, और गोरखपुर में आते हैं तो नौका विहार में जरूर आइए गाइस, बहुत ही प्यारा जगह है, मज़ा आ जा रहा घूम के। और अभी तो शाम के टाइम चल रहा गाइस और मज़ा आ रहा है। बाकी गाइस इधर देख सकते हो रेस्टोरेंट वगैरह, आप लोग आते हैं तो इस गर्मी के मौसम में बैठकर आराम से एकदम कोल्ड ड्रिंक पीजिए, चिल कीजिए और घूमे हम लोग, काफ़ी मज़ा आया गाइस, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा सिटी है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पीछे रेस्टोरेंट भी है, अगर आपको चाय पानी पीनी है तो चाय पानी भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आइए घूमिए और अपना नाश्ता पानी करिए और मज़े लीजिए यहाँ पे। तो गाइस इधर भी बोटिंग हो रही है और बड़ा अच्छा नज़ारा है, आपको दिखाते हैं। और गाइस अगर आप नौका विहार नहीं आए हैं तो एक बार आके जरूर घूम लीजिए यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे गाइस घूमने में। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का वाला बोट है और ये घूमने के लिए है और बहुत सारा बोट यहाँ पे है। और गाइस ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल हैं, गुलदस्ते हैं यहाँ पे, कितना बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। ये देखिए बच्चों वाली गाड़ी है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ किए हैं हम लोग। दीपू भाई बहुत थक गए, महाराज थक गए हैं एकदम, भाई साहब एकदम थक गए यार अपना। तो गाइस हम लोग पूरा नौका विहार घूमिए हैं और हम लोग गेट से बाहर आ गए हैं, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर इस भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक पहुँचती रहे। जय हिंद।